मेहनत की, आज तक कोई कहते हुए एक रुपए का कलंक, और हम पार्टी ने हमें 30 साल की हमारी मेहनत एक मिनट में हमें कीड़े मकोड़े की तरह फेंक दिया। राजकुमार जी, आपके रिश्तेदार तो मंत्री जी भी हैं, आप इतने पुराने कार्य ढसाढसा रडणारा हा माणूस पेशानं शेतकरी नाही आहे। त्याच्या जवळच्या कुणाचं निधनही झालेलं नाही आहे किंवा मुसळधार पावसात त्याचं घर वगैरेही पडलेलं नाही आहे। मग हा नेता काय रडतोय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर त्याचं उत्तर आम्ही देतो। त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर त्याचं झालंय असं की हा रडणारा व्यक्ती भाजपचा नेता होता, मध्य प्रदेशमधील एका जिल्ह्याचा तो अध्यक्ष होता। त्याचं नाव राजकुमार सिंग धनवरा। त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि पक्षानं त्याला 6 वर्षांसाठी निलंबित केलं। तेच धनवरा यांच्या जिव्हारी लागलंय, पक्षातून आपल्याला काढून टाकलंय, याचं त्यांना इतकं दुःख झालं की भर पत्रकार परिषदेत त्यांना रडू कोसळलं। धनवरा अगदी ढसाढसा रडले। हा संपूर्ण व्हिडिओ पहा। प्रदेश के अध्यक्ष उनका मैं सम्मान करता हूँ। मैंने उनसे जाकर मैंने कहा भी था कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं पार्टी के से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ अत्याचार किया गया, उसके साथ भी हमारे साथ अत्याचार किया। जिस पार्टी में 30 साल पूरी मेहनत की, आज तक कोई कहते हुए एक रुपए का कलंक, और उस पार्टी ने हमें 30 साल की हमारी मेहनत एक मिनट में हमें कीड़े मकोड़े की तरह फेंक दिया। राजकुमार जी, आपके रिश्तेदार तो मंत्री जी भी हैं, आप इतने पुराने कार्यकर्ता हो, लेकिन आपकी पार्टी में सुनवाई क्यों नहीं हो रही? कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम आपकी मदद करना भी चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि उस परिस्थितियों को सोचकर भी हम मदद नहीं कर पाते। वहां बड़ी परिस्थिति थी। मैं सुरखी क्षेत्र का हूं और वह खुरई क्षेत्र से मंत्री है। यह कार्य क्षेत्र गोविंद राजपूत जी का है। मंत्री जी नहीं चाहते कि कल हम भी नहीं चाहते कि उन पर यह आरोप लगे कि जे इनके रिश्तेदार की मदद कर रहे। क्या वीडियो पर तुम्हारी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखा। राजकीय बातम्या आणि त्यांच्या विश्लेषणासाठी लोकमतचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। जर हा व्हिडिओ फेसबुकवर बघत असाल तर आमचं फेसबुक पेज लाईक आणि फॉलो करा। तुमचं मत लिहून हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।